क्योंकि एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो गया और AQI के लेवल्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सचिन कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन इन बेंगलुरु, उनका ये कहना है कि बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है और एडल्ट जिनकी उम्र 65 प्लस होती है और दोज हु आर डायबिटिक और प्रेगनेंट वुमेन, ये सब जो हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं ड्यू टू एक्सटेंडेड एक्सपोजर जो एक्टिव होते हैं बाहर, जैसे कि आउटडोर वर्कर्स और सीरियस एक्सरसाइजर्स, उनको भी इंक्रीज्ड रिस्क होता है ऑफ एयर पोल्यूशन। ये इनिशियल लोग होते हैं जो पार्टिकल पोल्यूशन से इम्पैक्ट होते हैं, तो इन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर सचिन ने सजेस्ट किया है कि आप इसके साथ साथ ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें। सबसे पहले है कि मॉनिटर करें दी AQI। जब AQI अबव 300 रहता है तो इसको हजार्डस कंसिडर किया जाता है। मॉडरेट AQI कैन ऑल्सो बी हार्मफुल। और इसके साथ साथ क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो क्रिएट करने वाला है ज़्यादा फॉल इन एयर कंडीशंस, जिसकी वजह से वार्म एयर जो है वो राइज होगा और पोल्यूटेंट्स जो हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में फैलेंगे और इसके कारण AQI के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। इन्वर्जन के केस में वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर को ट्रैप करता है विद पोल्यूटेंट्स, जो कि टॉक्सिक पार्टिकल्स PM2.5 और PM10 होते हैं दैट आर नियर टू द ग्राउंड। इसीलिए आपको मॉनिटर करना चाहिए दी AQI टू मेजर कि क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। जब AQI 0 to 49 होता है तो इसे गुड कंसिडर किया जाता है। दूसरा है कि आप इंडोर्स रहे ड्यूरिंग पीक पोल्यूशन आवर्स। आप लिमिट करें अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पेशली जब रोड्स काफ़ी बिजी हैं। तीसरा है कि आप स्टेप आउट करें वेयरिंग अ प्रॉपर मास्क, चाहे कोविड हो या नहीं, लोगों को प्रॉपर N95 या P100 मास्क पहनने चाहिए, क्योंकि इन मास्क में बेटर फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ रहते हैं जो अवॉइड करते हैं टॉक्सिक पार्टिकल्स को और प्रोटेक्ट करते हैं दोनों आपको और दूसरों को फ्रॉम गेटिंग कंटामिनेटेड। चौथा है कि आप अपने होम और सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, एयर प्योरीफायर्स यूज़ करें अपने घर में और इंश्योर करें कि प्रॉपर ऑक्सीजन सर्कुलेशन हो रहा है जो रिड्यूस करता है इंडोर पोल्यूटेंट्स को। अब ये भी देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, ऑलवेज प्रिपेयर बैलेंस्ड डाइट फूड्स जो होल्ड करते हैं लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। छठा है कि ड्रिंक इनफ वाटर। वाटर जो है वो प्योरीफाई करता है आपके बॉडी को बाय एलिमिनेटिंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। इसीलिए मिनिमम एडवाइज्ड क्वान्टिटी ऑफ वाटर जो आपको लेना चाहिए वो है एटलीस्ट 2 लीटर्स। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।